हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशन और आप सभी का हमारे अपने रोशन टेक्स हिंदी में बहुत ही बढ़िया स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं थ्री बेस्ट गेमिंग मॉनिटर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अंडर 10,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाते हैं। अगर आप एक एंट्री गेमिंग मॉनिटर चाहते हो तो दोस्तों आपको अंडर 10,000 में काफ़ी बढ़िया मॉनिटर्स देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, हमारे लिस्ट में तीन ऐसे बेस्ट मॉनिटर है जिनमें आपको काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले पैनल देखने को मिलने वाली है, काफ़ी बढ़िया रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलने वाली है। इन मॉनिटर में आपको हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाली है और दोस्तों यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स टाइम भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलने वाला है इन मॉनिटर्स में। ओके, तो दोस्तों इन मॉनिटर्स में आपको क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिलेगी। जो व्यूइंग क्वालिटी होगी, जो विजुअल क्वालिटी होगी, वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलने वाली है इन मॉनिटर्स में। ओके, बिना किसी टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे लिस्ट में जो पहला मॉनिटर है उसका नाम है एसर का 21.5 इंच फुल एचडी आईपीएस पैनल मॉनिटर। अगर हम इस मॉनिटर के की स्पेक्स की बात करते हैं तो दोस्तों इस मॉनिटर में आपको आईपीएस पैनल देखने को मिलता है और दोस्तों ये मॉनिटर एफएचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ देखने को मिलता है। 1920x1080 पिक्सल का रिजोल्यूशन इस मॉनिटर में आपको देखने को मिलता है। इस मॉनिटर में आपको इनबिल्ट 2 स्पीकर देखने को मिलते हैं। इच स्पीकर आपको 2 वॉट का देखने को मिलता है। यह मॉनिटर कम्प्लीटली फ्रेमलेस डिजाइन के साथ देखने को मिलता है और इस मॉनिटर में आपको AMD का फ्री सिंक देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास AMD ग्राफिक्स है तो दोस्तों ये जो मॉनिटर है उस ग्राफिक के साथ काफ़ी बढ़िया सिंक करेगा और दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलने वाली है। इस मॉनिटर में आपको 250 निट्स का ब्राइटनेस देखने को मिलता है। अगर हम इस मॉनिटर के रिफ्रेश रेट की बात करते हैं तो दोस्तों इस मॉनिटर में आपको 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। अगर हम इस मॉनिटर के रिस्पांस टाइम की बात करते हैं तो दोस्तों इस मॉनिटर में आपको ऑलमोस्ट 4 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम देखने को मिलता है। अगर हम इस मॉनिटर के कनेक्टिविटी पोर्ट्स की बात करते हैं तो दोस्तों इस मॉनिटर में आपको HDMI का पोर्ट और VGA का पोर्ट देखने को मिलता है। इस मॉनिटर का डिस्प्ले कम्प्लीटली फ्लिकर फ्री है। ये मॉनिटर ब्लू लाइट को कम्प्लीटली ब्लॉक करता है। अगर हम इस मॉनिटर के प्राइस की बात करते हैं तो दोस्तों इस मॉनिटर का प्राइस है 6,587। ये मॉनिटर आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाता है और दोस्तों इस मॉनिटर का प्राइस भी काफ़ी कम है और ये मॉनिटर कम्प्लीटली फ्रेमलेस डिज़ाइन के साथ देखने को मिलता है। अगर आप एक एंट्री गेमिंग मॉनिटर लेना चाहते हो तो दोस्तों डेफिनेटली मैं आपको ये मॉनिटर रेकमेंड करता हूँ क्योंकि इसका प्राइस भी काफ़ी कम है। हमारे लिस्ट में जो अगला मॉनिटर है उसका नाम है डेल का 22 इंच फुल एचडी आईपीएस पैनल मॉनिटर। इस मॉनिटर के अगर हम की स्पेक्स की बात करते हैं तो दोस्तों इस मॉनिटर में आपको आईपीएस पैनल मिलता है। ये मॉनिटर एफएचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ देखने को मिलता है। 1920x1080 पिक्सल का रिजोल्यूशन इसमें आपको देखने को मिलता है। इस मॉनिटर में आपको 75 हर्ट का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। अगर हम इस मॉनिटर के ब्राइटनेस की बात करते हैं तो दोस्तों इस मॉनिटर में आपको 250 निट्स का ब्राइटनेस देखने को मिलता है। अगर हम इस मॉनिटर के रिस्पॉन्स टाइम की बात करते हैं तो दोस्तों इस मॉनिटर में आपको 5 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिलता है। अगर हम इस मॉनिटर के कनेक्टिविटी पोर्ट्स की बात करते हैं तो दोस्तों इस मॉनिटर में आपको HDMI और VGA का पोर्ट देखने को मिलता है। ये मॉनिटर कम्प्लीटली मैट फिनिश के डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है, यानी दोस्तों इस मॉनिटर का जो डिस्प्ले है वो कम्प्लीटली मैट फिनिश का है जिससे यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का रिफ्लेक्शन इस डिस्प्ले में देखने को नहीं मिलता है और दोस्तों मैट फिनिश वाला डिस्प्ले गेमिंग के लिए काफ़ी बढ़िया होता है। इस मॉनिटर में आपको 3 इयर्स की वारंटी देखने को मिलती है। अगर हम इस मॉनिटर के प्राइस की बात करते हैं तो दोस्तों ये मॉनिटर आपको फ्लिपकार्ट पे 9,600 में देखने को मिल जाता है। हमारे लिस्ट में जो अगला मॉनिटर है उसका नाम है सैमसंग का 24 इंच फुल एचडी LED बैकलिट आईपीएस पैनल गेमिंग मॉनिटर। अगर हम इस मॉनिटर के की स्पेक्स की बात करते हैं तो दोस्तों इस मॉनिटर में आपको आईपीएस पैनल देखने को मिलता है और दोस्तों ये मॉनिटर FHD प्लस यानी 1920x1080 पिक्सल का रिजोल्यूशन इस मॉनिटर में देखने को मिलता है। इस मॉनिटर में आपको 250 निट्स का ब्राइटनेस देखने को मिलता है। इस मॉनिटर में आपको 75 हर्ट का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। इस मॉनिटर में आपको 5 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम देखने को मिलता है। अगर हम इस मॉनिटर के कनेक्टिविटी पोर्ट्स की बात करते हैं तो दोस्तों इस मॉनिटर में आपको HDMI और VGA का पोर्ट देखने को मिल जाता है।
अगर हम इस मॉनिटर के वारंटी की बात करते हैं तो दोस्तों इस मॉनिटर में आपको 1 ईयर का वारंटी देखने को मिल जाता है। ये मॉनिटर आपको फ्लिपकार्ट पे 10,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। ये थे हमारे लिस्ट के 3 बेस्ट गेमिंग मॉनिटर्स। दोस्तों इन मॉनिटर में आपको काफ़ी बढ़िया रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। अंडर 10,000 में आपको 75 हर्ट का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। और दोस्तों ये मॉनिटर आपको IPS पैनल के डिस्प्ले के साथ देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इन डिस्प्ले में आपको IPS पैनल देखने को मिल जाता है इन मॉनिटर्स के डिस्प्ले में। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आपको विजुअल क्वालिटी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलने वाली है। अगर आपको गेमिंग के साथ साथ अच्छी विजुअल क्वालिटी चाहिए तो दोस्तों मैं आपको डेफिनेटली IPS पैनल वाले गेमिंग मॉनिटर रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि इनमें आपको विजुअल क्वालिटी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। और दोस्तों इन मॉनिटर्स में आपको 5 मिलीसेकंड तक का रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिलता है। ओके, ओवरऑल ये मॉनिटर आपको बजट कैटेगरीज में काफ़ी बढ़िया गेमिंग करा के देने वाले हैं। अगर आप एक एंट्री लेवल वाला गेमिंग मॉनिटर बाय करने का प्लान कर रहे हो तो दोस्तों मैं आपको ये 3 मॉनिटर्स रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि इनमें आपको क्वालिटी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है और दोस्तों आप इन मॉनिटर से काफ़ी बढ़िया गेमिंग भी कर सकते हो। तो मैं आपको इन मॉनिटर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, तो दोस्तों आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इन मॉनिटर को बाय कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको यह हमारी वीडियो काफ़ी बढ़िया लगी होगी। अगर बढ़िया लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। ओके दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।